पंचम कक्षा के सभी बच्चों को हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत और अभिनंदन। पिलामने आज आम सरस्वती हिंदी भाषा सेवन भाग चार जो विषय पढ़ते तिरुवल्लुवर। ये तिरुवल्लुवर विषय टी तो मुझे तुमको पढ़े एवं पढ़ा अभ्यास करने को कही। आज आम ये तिरुवल्लुवर विषय थोड़ा डिफिकल्टी शब्द बा जो कष्ट शब्द दे विषय किसी जाना। देख पाने बल्लुवर अर्थ होची जुलाहा तंती, कल्याण अर्थ होची हित बा मंगल, संकट अर्थ होची विपदी बा विपद, दुर्भावना अर्थ होची बुरी भावना बा खराब चिंता, आतिथ्य अर्थ होची अतिथि सत्कार, गदगद अर्थ होची खुश होना बा खुशी होगा, कुरुला कुरेला शब्द अर्थ होची छोटा बा छोट, आलौकिक अर्थ होची आश्चर्य, प्रतिभागे धनी अर्थ होची गुण वाले बा गुणर अधिकारी। तेणु पाने शब्द गुड़िक अर्थ तुम जान लाक मन रख प्रति शब्द रही। आज ये विषय टी पढ़े दूसरी समस्त मन देखी शुण। देख पाने कौन दे तिरुवल्लुवर का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। तिरुवल्लुवर जी थे जन्म कौटी ना दक्षिण भारत होता हुए आलौकिक प्रतिभा के धन थे। सी आलौकिक प्रतिभार अधिकारी थे। उनका लालन पालन एक निसंतान जुलाहे दंपति ने किया था। लालन पालन किए करते निसंतान बा पुत्र संतान जो दंपति के नाला से मैने जड़े तंती आम ओडिया कहते तंती बुणाकर से तंती दंपति कौन करते तिरुवल्लुवर का लालन पालन करते। ये जुलाहे बल्लुवर जाति के थे। तेणु ये जुलाहे कौन ना बल्लुवर जातिर थे। निसंतान होने के कारण उन्होंने बालक को बड़े प्रेम से पाला था। तेणु जेहेतु तर पुत्र कन्या किसी नाला तेणु से तिरुवल्लुवर को बालकटी को से बहुत आदर जत्न से पालन करते। बल्लुवर घर में पालित होने के कारण बालक का नाम बल्लुवर पड़ा था। तेणु बल्लुवर घर में से जेहेतु लालन पालन होते तेणु से बालक नाम बल्लुवर थिला। वे अपने उच्च धार्मिक भाव के कारण तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तेणु ये बालकटी कौन तार जो उच्च धार्मिक भावना से कौन कर तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध लाभ कर। तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है। तेणु तमिल भाषा कौन करते तिरु हूँ गोटे आदर सूचक शब्द है। तिरुवल्लुवर का अर्थ है श्री बल्लुवर। तेणु तिरुवल्लुवर अर्थ कौन श्री बल्लुवर। मन में धार्मिक विचार रखकर जगत कल्याण के लिए वे अपने पिता माता से अनुमति लेकर घनघोर जंगल में तपस्या करने चले गए। देख पाने सारा जाक तार कल्याण मंगल पाई ये तिरुवल्लुवर कौन करते बापा माँ परामर्श नहीं कि अनुमति नहीं कि से कौन करते घोर जंगल को घनघोर घोर जंगल को तपस्या करने चली जाइए। उन्हें तपस्या से ध्यान योग और मंत्र तंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त हुई। तेणु तिरुवल्लुवर को जो जंगल घोर जंगल जाए तपस्या करते से कौन होता ना ध्यान योग एवं मंत्र तंत्र की सिद्धियाँ सिद्धि प्राप्त होता। तपस्या से सिद्ध प्राप्त करने के बाद उन्होंने संसार की सेवा करने के लिए संसार के लोग के बीच में ही रहना पसंद किया। तेणु से कौन करते सिद्धि प्राप्त होगापर से कौन करते जंगल फेरी आसते एवं सी कौन करते ना संसार की सेवा बा संसार लोक मान सेवा करने सहित संसार के लोक के बीच में सांसारिक लोक मान रही से पसंद करते। तिरुवल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए। तेणु तिरुवल्लुवर जंगल छाड़ी नगर को पलि आसले घूमते घूमते हुए नगर में एक धनवान व्यक्ति के घर जा पड़े। तेणु बुले बुले से कौन कले जड़े धनवान व्यक्ति घर जाए पहुँचीगले। उस धनवान व्यक्ति का नाम मागा सहाय था। से धनवान व्यक्ति का नाम कौन था ना मागा सहाय। वह उस समय बड़े संकट में था। तेणु से समय से बहुत विपदर था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर कर दिया। तेणु तिरुवल्लुवर कौन कले से मागा सहाय नामक जो धनी व्यक्ति थे तार संकट दूर करदे विपद को दूर करदे। उस धनवान व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी तिरुवल्लुवर के साथ कर दिया। तेणु से मागा सहाय कौन कर से खुशी है कि तिरुवल्लुवर तांकर जो झियो थिला तांकर झियो को विवाह दे थिला। जीविका के लिए वे अपना पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनाई लगनपूर्वक करने लगे। तेणु जीवन धारण के लिए जीविका अर्जन किसी पैसा रोजगार करने
ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା କପଡ଼ା ବୁଣାଇ, କପଡ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୁଣୁଥିଲେ ଲଗନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣେ ରହେ, ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହୁଏ ସାଦା ଜୀବନ ବିତାତେ ଥାଏ, ଓର ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାଦା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ରଖୁଥିଲେ। ସାତେ ସାତେ ହୁଏ ପରୋପକାର କରିତେ ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ପରମାନଙ୍କର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏକବାର ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉନ୍କେ ଘର ପରାୟ, ଦିନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସେ ଘୃଣା କରିଥାଏ, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଉନ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଥ ରହନି ସେ ଈଶ୍ୱର କି ଭକ୍ତି ନହିଁ ହୋଇ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି କରି ହେବ ନାହିଁ। ତିରୁବଲ୍ଲୁବର ଓର ଉନ୍କି ପତ୍ନୀକା ସୁଖୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତଥା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଦେଖକର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପୁଛା, ଆପକି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଗୃହସ୍ଥ କା ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସିକା, ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ ତିରୁବଲ୍ଲୁବର ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେଖର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପୁଛା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତିରୁବଲ୍ଲୁବରଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଆପକି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଗୃହସ୍ଥ କା ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସିକା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସଂସାରର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ। ତିରୁବଲ୍ଲୁବର ନେ କୋଇ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଥାଏ, ତେଣୁ ତିରୁବଲ୍ଲୁବର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଇତନା ହିଁ କହା ଆପ ହମାର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କର ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ କିଛି, ତିରୁବଲ୍ଲୁବର କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପତି ପତ୍ନୀ କି ଏକ ଦୁସରେ କି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠା ଓ ସହଯୋଗ ଭାବ ଦେଖର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେ ମନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭାବନା ଜାତି ରହି, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭାବନା ଥିଲା କି ପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିହେବ ନାହିଁ ସେ ଦୁର୍ଭାବନା ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ତିରୁବଲ୍ଲୁବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିକି ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠା ଓ ସହଯୋଗ ବା ସହଯୋଗ ଭାବନା ଦେଖିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେ ମନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭାବନା ଜାତି ରହି, ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ଭାବନା ତା ମନରୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଗଦଗଦ ହୋକର ବୋଲେ ଯଦି ହର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପକି ପତ୍ନୀ ଯେସି ହୁଏ ତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇଠି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ପତ୍ନୀ ହେବ ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ, ଇସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ମେ ବାଧା ନହିଁ ବୋଲେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀ ଯାହାର ଥିବ ସେ ଓଲଟା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ଓଲଟା ସହାୟତା ମିଳିବ ତାକୁ, ଏହ କହ କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଷେ ଚଲା ଏହା କହିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଉ ଯେତିକ ବାକି ରହିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।